इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हातोत थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां बेटमा से आ रही कार असंतुलित होकर पलटी खा गई, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला देर रात हातोत थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां बेटमा से कार्यक्रम में लौट रहे कार सवार 5 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक नीलेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमित सहित उसके अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए 108 की मदद से MY अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने जानवर आ जाने के कारण और संतुलन खोकर कार पलटी खा गई, इससे हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं घायलों का उपचार जारी है। हमें सूचना मिली कि एक फोर व्हीलर जो है एक्सीडेंट हो गया है उसका, और सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। मौके पहुंचने पे हमें एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंडीशन में सीरियस दिखा, उसको ट्रीटमेंट करा हमने और उसे ट्रीटमेंट देते हुए MY हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। और एक व्यक्ति मौका वारदात पर डेट मिला था हमें। देपालपुर से इंदौर आ रहे 5 युवक अपनी पर्सनल कार से, उनकी गाड़ी के सामने नेवला आ गया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई। और गाड़ी पलटी खाने से करीबन 5 लोग घायल हुए, जिसमें मिस्टर नीलेश की डेथ हो चुकी है, उनकी उम्र 31 वर्ष है, और मिस्टर अमित घायल है, जिनको हमने ट्रीटमेंट करते हुए MY लाए और MY लाकर जब भर्ती कराया, अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और मामूली 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट करके उन्हें प्राइवेट निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।